हेलो किड्स, चैप्टर टू वर्ण विचार। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम जो बोलते हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण लेटर ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, वोवेल्स। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 है, जो निम्न है। आ आ, ई ई, ऊ ऊ, री ए ए, ओ ओ। जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ आ, ई ई, ऊ ऊ, री ए ए, ओ ओ। स्वर के भेद काइंड्स ऑफ वोवेल्स। स्वर के दो भेद होते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, आ ई ऊ री। दीर्घ स्वर, आ ई ऊ ए ए ओ ओ। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, आ ई ऊ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई ऊ ए ए ओ औ। ध्यान दीजिए, अनुस्वार अम, अनुनासिक चंद्रबिंदु और विसर्ग आहा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। अब इनकी गिनती स्वरों में ही होती है। अम चंद्रबिंदु आहा, इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। इनकी गिनती अब स्वरों में होती है। अनुस्वार, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार, अंगूर के अंग अन कहते हैं। जैसे पंग, भंग, अंग आदि। इस बिंदु को ना पढ़ते हैं, जैसे पंग, भंग, अंग। अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे गांव, पूछ, छांव आदि।